नौबत लगी। इतना पता नहीं कि 10 लाख तरह ये कहाँ से आएगा? एक काम करें दोस्तों, समझ लीजिए, रोड पे आकर के बगावत ही एक उपाय है। क्या 26 घंटा एक कैसे मिला? बगावत से 26 घंटा एक कैसे आ गया बताइए आप लोग? बगावत से कैसे आ गया? कैसे आ गया 26 घंटा लेकर? और वही हमारे खिलाफ है बताइए, वही हमारे खिलाफ है। और आप रोड मेरिट में आने के बाद भी नहीं आया। बात समझना पड़ेगा कि 26 जून का लेकर का निर्णय सरकार पहले सोच रही थी क्या? 26 जून के हम लोग को फाइट करके मेरिट और नॉन मेरिट भी करना है, वो भीड़ तंत्र ने कर दिया। इसलिए एकमात्र रास्ता यही है, और वो है सामान्य केस की सुनवाई तो होती नहीं है, इतना पेचीदा बात। जैसे बोलिए बोलिए बोलिए, जहाँ विज्ञापन का कंट्राडिक्शन, जहाँ नियमावली फिट नहीं बैठ रही है, मन करता है कि 10-20 गाली दे। नहीं नहीं, गाली तो देबे करेंगे, देखिएगा ना, लेकिन गाली देंगे सचिवालय में चढ़ के। लेकिन फिर एक बात, हम 17 में पास किए, सॉरी आते हैं 9 में मैट्रिक किए, अरे 11 में, सर 19 में हम बीएड किए, बीएड पास किया, 19 में फॉर्म आया, पहले मोटर में धरा गया। तो हम तो विज्ञापन पढ़े जाते कि तो नियमावली पढ़े जाते, बता तो कितने लोग नियमावली पढ़ के फॉर्म भरा था? सभी लोग ने तो विज्ञापन पढ़ के फॉर्म भरा था। अब नियमावली अंत में बना देगा तो मान हो जाएगा? हमने कहा कि जब नियमावली संशोधित है, आपका समय समय पर, मैं नहीं बोली कि समय समय पर नियमावली संशोधित है, तब कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ का माथा गर्म हो गया। जो भाई ओकरा गलियाने से ही समस्या का समाधान है, मैं कह रहा हूँ कि नियमावली समय समय पर संशोधित है, कह रहा है कि 20 वाला नहीं ना संशोधन करेंगे, अब नया लाएंगे। देखिए एक चीज घोषणा करना है, तो हमने बोला आंदोलन जो है आज के बातचीत से यही लगा कि अब रुकने देना नहीं है। हमारा योजना ये है कि अगला बार हम लोग विधानसभा मार्च या राजभवन मार्च करेंगे। हमारा यही आप लोगों से है, आज के बातचीत से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, 2 से 2.5 महीना भी समय लगेगा। अच्छा उनका बोले दे, उनका बोले दे, फिर बोली तू आओ बैठा ही दे। तो हम लोग को आज लग रहा है कि आंदोलन तो होगा, हमारा तो कोई नहीं हो गया। हमको तो बहुत पहले ही लग रहा था कि बिना सड़क को तो हमें कुछ नहीं होने जा रहा है, रोड हम लोग आएंगे, रोड सचिवालय जाएंगे, सचिवालय का हम 100 बार चल गए, आज एकदम 100 बार तो जाकर चल रहे 100 बार। तो आज लग रहा है लोगों की नहीं, जब होगा तो रोड से होगा, अरे रोड से होगा, वो पहले से कह रहे हैं रोड से होगा। शिक्षा विभाग कहता है, अपन मुख्य सचिव संजय कहता है गलती विभाग से हो गया तो जेल हम नहीं जाए, थोड़ा जेल में ले जाएंगे, गलती हो गया तो मैं जेल में ठूस दो, थोड़ा जेल में लेकर जाएंगे। तू समझ जाएगा कि गलती करके चुपचाप पढ़ा लेगा, तू गलती करके चुपचाप ऐसी कलर में बैठ के बड़ा किसी पर मजा मार लेंगे, नंगे मारने मारने जाएंगे हम लोग थोड़ा साथे जाएंगे, हम तो ज्यादा करेंगे, थोड़ा लेकर जाएंगे, थोड़ा ना छोड़ने जा रहे हैं। आप बहुत पहले से अभी बात कहते आ रहे हैं कि अगर आंदोलन से होगा सड़क पर होगा, वो भी घूम करना पड़ेगा। आप कोई पुलिस प्रशासन से बोलो टेंशन लेने का बात ना है, पुलिस प्रशासन भी जो करना होगा करता है, उसके फिर मत रहिएगा। अपने काम, अरे अंग्रेजों का समय बड़ी मार मारता था, सब फांसी पर चढ़ा देता था, क्या होगा? डर जाइएगा, डर के घर में लुका गया लोग, नहीं ना घर से निकल भी न किया। तो आपको अगर नौकरी लेना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा, ये मत कहिए पढ़ा लिखा है तो जाने को फिकर कीजिएगा, पढ़ा लिखा का काम था, परीक्षा निकाला, परीक्षा निकाल लिए, अब पढ़ाई लिखाई का काम नहीं, अब है लगाई का काम, आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसा विश्वास हो चुका है।
हेलो, हमें बात और करना चाहेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि अगर जो आंदोलन होगा एक कोई यहाँ से लीडर ना भी मिलेगा तो हम लोग खून खतरा करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना। और ये नहीं सोचेंगे कि अगर वो फनामा का बेटा नहीं जा रहा है तो फनामा का बैठकर तुम भी मत जाओ। हम लोग तो आना है, जरूरी आना है, क्योंकि जिस समय देश आजाद हो रहा था और अंग्रेज कितना अत्याचार करता था, इस पर नाखून दबा लेता था, कितना करोड़ जनसंख्या था भारत का, लेकिन उसने गिने चुने लोग का ही जो है नाम आपको इतिहास में मिलेगा पढ़ने के लिए। जो करेगा वही आपको रहेगा और उसी का नाम चर्चा में आएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि 37,000 ब्रिटिश में वो सारा का सारा आएगा तब हम लोग आंदोलन करेंगे। ये सोचिए जितना है उसी में हम लोग खुद आंदोलन करने के लिए तन मन धन से लग जाएंगे। और इसके लिए हम लोग सब सब जो है ये दूर हो गए अपने जीवन आस पास के जो मेडिकल का इंडेक्स तैयार किया है वो सब कन्वेंस करेंगे, क्योंकि हर एक दूसरे से जिला का इतिहास अलग अलग है, तो हर एक जिला अलग लोग तो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन आस पास हर एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके जिसके कॉन्टेक्ट में 4-5 लाख को जानता होगा वो उसे कॉन्टेक्ट करेगा, कन्वेंस करेगा और अपने साथ लाने का जो है काम करेगा। क्योंकि जितना हमारी जनसंख्या होगी उतना ही हमारा जो है ताकत स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए आप लोग उसे जन निवेदन है, आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा और जज्बे के साथ जो है आगरा आंदोलन के लिए हम सब मिलकर जो है तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुकेश बड़ी बोल रहे हैं, एक को तो यार बोलो यार, जो शिकायत है यहाँ लेके यहाँ पर उपस्थित सभी नहीं कहना चाहूंगा कि व्यचना नहीं न होगा, जीवन जय ज्ञाति न होगा, व्यचना करने की बात नहीं रही है और आखिरी और अंतर अधिकार का चुनाव जो कि वही करने वाली रही है। यहाँ तो कांग्रेस है उसको किसी की दुबई में कुछ कुछ को जन बात रही है तो हम लोग किसी को कम रही है, ऐसा हम लोग करें कि अधिक संख्या में सब लोग आकर्षित हो और आए की जीवन की तैयार हो तो आक्रामक हो कहने का मतलब यह है। तो ये कहना चाहूँगा कि जो बिहार अगर मैं जगह हम मिल खाली तो बिहार के बस्तियाँ मिल खाली को सौदा कर देंगे, यहाँ पर मिल का सौदा होने जा रहा है जो बनने के लिए हम लोग जो कुछ करनी चाहिए, जो भी कोई इसको खुदियों को इसमें चाहिए और अपनाना ही होगा। आखिर मनुष्य कोई यहाँ पर शक्ति काम नहीं देगी, बस सरकार जनता की शक्ति अनुभव बोले है, जनता की शक्ति से उनकी शक्ति होती है, लेकिन हम लोग अपनी शक्ति को पहचानने होंगे तभी हम अमन रूप से मार खा सकते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार ध्यान से सुना जाए, एक बार ध्यान से बहुत ही गंभीर बात है। एक बात सुना जाए, सुनिए, इधर उधर नहीं गतल है, एक बात सुना आपके भाई, आपके भाई एक बात अगर सुना जाए, 29 जुलाई 2021 से मैं इस आंदोलन में हूँ। हम ये सब काम नहीं करते थे, हमारा पास काम की कोई कमी नहीं था, हम अपना नोएडा में जॉब करते थे। 29 जुलाई को पहली बार एंट्री मारे जहाँ गौतम भाई मैनेज किए थे पूरे आंदोलन में। गौतम भाई को समय जानते थे, मेरी पहली मुलाकात यहीं से हुई थी और आलोक भाई से भी हुई थी, लेकिन गौतम भाई से मैं बार बार पूछता था कि कब आएंगे आलोक श्रीवास्तव सर, याद है आपको 29 जुलाई को। तो हम 8 बजे से पहुंच गए, आंदोलन था 11 बजे से, तो हम गांधीनगर में 8 बजे सवेरे ही पहुंच गए, 8 बजे गौतम भाई से पहले पहुंचे। सुना, बहुत गंभीर बात है, सुन रहा। तो मेरा शुरू से आज तक एक ही विचार है, हमने कभी यू टर्न नहीं लिया, मेरा एक ही विचार है
कि सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था वो विज्ञापन से शर्त को आधार मान के हमने फॉर्म भरा, हम उसको शर्त को बदल नहीं सकते। तुम इसका जवाब दो, पहला सवाल। दूसरा सवाल, नियमावली 2020 में आया, ये विज्ञापन 19 का है, नियमावली बनाए, गलती बनाए, काहे बनाए? नियमावली बदलो, तुम्हारा काम है, ये आपका समस्या है, आप हल करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये है कि वो कहता है पात्रता परीक्षा, तो हमारे साथी इस पे रुक जाते हैं, डेमोरलाइज हो जाते हैं। डेमोरलाइज मत होना, कहना कि पात्रता परीक्षा ही है, कि पात्रता परीक्षा ही है। आज हम चार बार बोले पात्रता परीक्षा ही है, पात्रता परीक्षा ही है, पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन पात्र वही है जिसको विज्ञापन कहे, स्वीकार भी किया है, पात्र वही होगा जिसको विज्ञापन कहेगा। 70 नंबर वाला 140 बराबर नहीं होगा, और यही सबसे मजबूत पक्ष है। चौथा बार हमने कहा डायरेक्टर को कि ये विज्ञापन आपने निकाला, बोले नहीं हमने नहीं निकाला, बोले गिरवर दयाल सर ने निकाला, यही कोर्टी ने निकाला, बोला अच्छा ठीक है, तो आपने निकाला। कह रहा कि बीएससी भी निकाला था, हम कहे कि शिक्षा विभाग के आलोक पर। हमें कोई समस्या नहीं है घर से, जितना बात आप याद कर लेना, हमारे बाप है मास्टर, 15 बीघा जमीन अकेले, घर में कोनो पैसा की कमी नहीं, एसी कूलर फ्रीज जबरदस्त मार्बल टाइल्स का घर, कोनो चीज के कमी नहीं है, कोई चीज के कमी नहीं है, ये बात याद कर लेना, कोई चीज के कमी नहीं है हमें। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे ना, अगर आज हम पागल हो जाएंगे, पगड़ा जाएंगे, मेरा दिमाग खराब, हम तो पागल हो जाएंगे, मेरा लालची के रहेगा, तो जीवन भर ऐश करेंगे, जीवन भर ऐश करेंगे, वो मेरी हैसियत है। हमारी हैसियत को मत तोड़ना, ये मैं कह रहा हूँ, हम इतने रईस है कि अगर हम आज पागल हो जाए, बिना काम का इंसान हो जाए, तो हम राजा की तरह जिंदगी जिएंगे, दिन में 10 बार चाय, 3 बार 4 बार खाना, दिन में 2 केजी दूध पीने की हैसियत। आज मेरे घर में 3 लोग हैं, 8 केजी दूध है, 3 लोग है और 8 केजी दूध रहता है, सारा दूधे के बाहर रहता है, तो सोच लो ये घर है मेरा, ये घर है मेरा। गाय के बच्चा देने में 1 महीना देता था, नया गाय खरीदा 50,000 में, तो हमको कोई कमी नहीं है, तो घर में तुम रोगे, अब आपकी क्या स्थिति है आप बताना, आपकी क्या स्थिति है आप बताना। हम जो पैसा कमाते हैं मेरे भाई, ये दिल की बात है, क्योंकि हम लोगों को अभी निर्णय लेना है, इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ, तो हमको सेलिब्रिटी नहीं है, हम जो पैसा कमाते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका खाली इस्तेमाल अमीर अपने ऊपर करता है, घर में एको पैसा नहीं देते, चाहे सारा घर के पैसा से पीते हैं, घर में जाते हैं, कई बात कर याद कर लेते, तो हमको कोई समस्या नहीं है, अपने बारे में आप लोग सोच लो, लग रहा होगा गरीबा के बड़ी समस्या है भाई, कोई समस्या नहीं है, हमको खाली एक बात है, अगर गलती करेगा ना तो चौकिया दबा देंगे, ये विचार है, इतने पढ़ा लिखा हूँ ना, देश के 218 देश का संविधान याद है, आपके लिए भले ही सीरिया और सूडान का न्यूज अनजान होता, दुनिया के 218 देश का न्यूज पता रहता है, पाकिस्तान की सरकार कैसे गिरी इमरान खान से ज्यादा हमें पता है, इमरान खान से ज्यादा मुझे पता है कि उसकी सरकार कैसे थी, यानी हम पूरा दुनिया के न्यूज रखते हैं, मानसिक रूप से परिपक्व, एकदम परिपक्व, सब कुछ समझते हैं, हमारा निर्णय कभी गलत नहीं, जो हम बोले एकदम फॉर्म स्टैंड, कभी पीछे नहीं हटते, जो बोल दिया तो बोल दिया, आज तक हुआ है ना, कभी खुद हिचकिचाते हैं, बोले हम खुद हिचकिचाते हैं, बोले ना क्या दौलत के जरिए रास्ता निकलेगा, अब कोर्ट तुम्हारा डर से निर्णय देगा, अब कोर्ट में छोड़ दोगे तो तुम वहां दलाल बन गया, सौदा कर देगा, सौदा कर देगा,
सौदा करेगा वो गद्दार बैठा है, हत्यारा बैठा है, दरिंदा बैठा है, अवान बैठा है। करना ये है कि एक ठोस मांग बनाया जाए के आधार पर। हमारा विचार है अगर मर जाए तो हमारे परिवार जीवन भर रसमल खाएगा, अनिल के घर में जीवन भर रसमल का व्यवस्था है। तुम लोग यार इल्जाम लगा तो चंदा का पैसा देते थे कुछ रुपेश भाई से लिख लिया सारा खर्चा उठाते थे घूमने और फिरने का। कहो रुपेश भाई कहिए कि नहीं ऐसा था, बताइए एक पैसा खर्च होने देते थे जो भी हुआ नमक रोटी सब हम चलाते थे खर्च। तीन चार महीना से तो चंदा नहीं मांग रहा था कुछ नहीं, इससे मुद्दा के बात यही है एकदम कसम खा लेना है अभी और कसम खा के हम मैदान में कूद जाना पीछे नहीं हटता। हम शहीद होवे ला तैयार है और हमारा घर में कोई जब तो हमारा इसमें से और कौन शहीद होवे ला तैयार है। हम तैयार हैं हर समय अभी के अभी और हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे अभी। आप लोग तैयार है तो हाथ उठाइए क्योंकि बार बार करने से कोई फायदा नहीं, एक बार जनता के चोट पे बजाना होगा। हम तैयार हैं चल रहे हैं होते रसमलाई खाए हैं और हमको खिचड़ी खाने का मन इतना वजन बढ़ा रहे हैं कि हमारे 7 किलो वजन रहना चाहिए साल 80 हो गया कि ओवर डोज खाली खाना के चक्कर अभी बोले ना कि 8 किलो दूर रहता है मोटाई के कारण खाली वही है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको डर नहीं है, मन में ये मत पाल देना कि अनिलवा को दिक्कत है इसीलिए बड़े पीड़ित है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, सारे हम न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। वाकई में दिल में पीड़ा है कि हम लोग जैसा शिक्षक बिहार के गरीब बच्चों को मिले यही इरादा है। वाकई में मेरे दिल में आज भी वही पीड़ा है जो सहीद आजम के दिल में हुआ करता था, मेरे दिल में आज भी वही पीड़ा है जो चंद्रशेखर आजाद के दिल में हुआ करता था। हम चाहते हैं 23 मार्च 1931 भी रहे और अगर जरूरत पड़ा तो 23 मार्च 2023 ला देंगे। बोलो ना कम ला देंगे 23 मार्च 23 चाहिएगा तो 24 में सारा 23 मार्च मना देंगे, लेकिन मनाएंगे जरूर। तो हम तैयार है 7-2 में बता तो हम तैयार है। आप बोलिए लिस्ट बनाइए तैयार ये लोग चलते हैं एक धमाका मारे भगत सिंह जी का आंदोलन कैसे रोज रोज आके ना बोलिए हमारे काम नहीं थोड़ा जे मन है थोड़ा कष्ट है कि नहीं है बताबा थोड़ा कष्ट है कि नहीं है कष्ट है ना हमरा ज्यादा कोई कष्ट नहीं तक बोला ताकि हमरा ले खाए ले जुटी था वा ना कुछ हवा भाई गया कपड़ों लता ना होता हमरा तो ज्यादा कष्ट नहीं। सुनिए आज जिस प्रकार से परमिशन है आप उसको नहीं तोड़ सकते, आप हम लोग शांति तरीका से करने हैं, इसके लिए उग्र करना है जो भी करना है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अपना निकल चलेंगे यहाँ से अपना जो भी हो परमिशन परमिशन सिस्टमेटिक वे में हुआ है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन आगे हमारा लड़ाई शुरू से रहा है कि हमारा भीड़ तंत्र कैसे जुटेगा, इस पे काम हम लोग करते नहीं है, उद्देश्य से भटक जाते हैं तो कहाँ से लेकर आएगा। महिला लोग नहीं आता है, पुरुष भी है क्यों नहीं आता है, इस पर विचार हम करते शुरू से आएंगे। आज उद्देश्य चार विषय आप लोग बोल रहे हैं लेकिन क्या करना है आगे यही बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। अपना क्या है ये बताने की क्या जरूरत है, समझ रहे बात के अब क्या है हम क्या है हम कह देंगे हम बिहार के मालिक है तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करना है इस पर विचार करना है। आगे आंदोलन कैसे करें, भीड़ हमारा कैसे जुटेगा, इस पर काम ना छोड़ के हम लोग मुद्दा भटक रहे हैं, कबार देंगे मार देंगे हो जाएगा, कोई चीज सिस्टमेटिक में नहीं होता। कहूँ चढ़ना है चढ़ करना है तो डेट रखिए चढ़ चलिए तब ना होगा, डेट रखिए और एक तो डेट तैयार कीजिए समझे नहीं होगा।
हम गलत के खिलाफ नहीं है, नहीं तो यहाँ से अलग होते हैं, पांच पांच को गेट में ना आइएगा, भीड़ में होता है एकता, लेकिन ऐसे सोचेगा जैसे मैं कह रहा हूँ कि भीड़ लगाना आंदोलन, भीड़ लगेगा